पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल में बीजेपी ने भगवा लहराकर ममता और टीएमसी को शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। अब इस बात पर 100% मुहर लग गई है कि बीजेपी का मुख्य हथियार हिंदुत्व ही रहेगा। पीएम मोदी सोमवार को एक बार फिर बंगाल पहुंचे थे और उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल में इस बार चुनाव हिंदुओं के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। पिछले दिनों मोदी के सामने ममता ने जय श्री राम के नारों पर जिस तरह नाराजगी जताई, उससे ममता को घेरने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। हुगली में मोदी की रैली में भी जय श्री राम की गूंज सुनाई देती नजर आई है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता पर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही वार किया। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि यही राजनीति बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा करने से रोकती है। अपनी संस्कृति का अपमान करने वालों को बंगाल के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। पीएम ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर कोई अपनी संस्कृति का गौरवगान कर सकेगा। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अपने ही हाल पर छोड़ दिया और यहाँ की धरोहर को बेहाल होने दिया है। मोदी की रैली से साफ हो गया है कि जय श्री राम के नारे के साथ चुनावी शंखनाद करने वाली बीजेपी का मुख्य हथियार हिंदुत्व ही रहेगा। वहीं अभी तक बंगाल आने वाले बीजेपी के सभी बड़े नेता राज्य के प्रमुख मंदिरों में माथा टेक चुके हैं और अब दुर्गा पूजा को लेकर हुगली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साध कर रही सही कसर पूरी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।